हेलो एवरीवन, हम लोग फाइनल अकाउंट पे डिस्कस कर रहे थे। फाइनल अकाउंट में टोटल थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड इज़ द बैलेंस शीट। आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें एडजस्टमेंट पे फोकस करना होगा और एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, कौन सा पॉइंट आपका अफेक्टेड हो रहा, कौन सा अकाउंट आपका अफेक्टेड हो रहा, उसको हमें मार्क करना होगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट गिवेन आपका क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद पॉइंट गिवेन आपका बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोथ आर रिलेटेड टू द डेटर्स। तो डेटर्स के आगे आप दो डॉट रख लीजिए, इससे ये क्लियर हो जाता है कि डेटर्स पे दो एडजस्टमेंट नीचे गिवेन है। After this, wages include 120 for installation of a new machinery. Wages में 120 installation of machinery की value include हो गई है। और आपको पता होगा, जब तक कोई assets को हम use में नहीं लाते हैं, तब तक उस assets से related expenses को assets में ही include किया जाता है। Means expenses which are incurred before use of any assets, then these type of expenses are included in the value of assets. For the example, हम लोग कोई मशीन परचेज कर रहे हैं, मशीन की वैल्यू 20,000 रुपीज़ थी, 2,000 उसका फ्रेट हमें पे करना पड़ा, 1,000 में वो इंस्टॉल हुई, इंस्टॉलेशन उसका हुआ, तो ओवरऑल जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उस सबको प्लस करके हम मशीन की वैल्यू को फाइंड करते हैं और उन एक्सपेंसेस को हम एसेट्स की वैल्यू में इंक्लूड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे गिवेन है आपका वेजेस 120, हमने इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के लिए पे किया है, तो 120 जो रुपीस गिवेन था, इस वैल्यू को हमें वेजेस में इंक्लूड नहीं करना था, इस वैल्यू को हमें मशीन में इंक्लूड करना था। बट बाय मिस्टेक ये वैल्यू आपकी वेजेस में इंक्लूड हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, वेजेस से इसको माइनस करेंगे और प्लांट एंड मशीनरी में इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो एक वेजेस के आगे भी आप पॉइंट रख दीजिए और एक प्लांट एंड मशीनरी के आगे भी डॉट रख दीजिए। उसके बाद आपका कमीशन से रिलेटेड पॉइंट है, कमीशन पे आप एक डॉट रख दीजिए आगे। और फिर फर्दर पॉइंट्स गिवेन आपका 2 मंथ इंटरेस्ट इज एक्रूड ऑन लोन, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट गिवेन है ट्रायल में, उसके आगे आप डॉट रख दीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और ट्रेडिंग अकाउंट पे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपको बता चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बता चुके हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पहले जाके आप वाले वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट पे भी डिस्कस किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी डिस्कस किया है और बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में भी डिस्कस किया है, राइट। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा स्टार्ट होता है ओपनिंग स्टॉक से। टू ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में गिवेन है 8968, तो हम शो करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 8968। After this we have to show purchases value, और जब हम परचेज की वैल्यू शो करते हैं तो पहले देख लेते हैं purchases return या return outward आपका ट्रायल में गिवेन है या नहीं गिवेन है। इस क्वेश्चन में नहीं गिवेन है तो हम शो कर देंगे टू purchases 25,659। Wages आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है जिसको हमें ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना होता है। टू wages, अब wages में 120 आपकी वैल्यू मशीन की इंक्लूड थी, तो लेस हम मशीन करेंगे 120। आउटर कॉलम में वैल्यू आ गई 3977। उसके बाद हमें शो करना होता है बाई साइड पे सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स जब हम शो करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट तो नहीं गिवेन है, तो यहाँ पे सेल्स है बट रिटर्न इनवर्ट नहीं गिवेन है, तो बाई सेल्स की वैल्यू हो गई आपकी 35,643। और आफ्टर दिस यू हैव टू शो बाई क्लोजिंग स्टॉक 12,896। तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जितने हमें अकाउंट्स शो करने होते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने शो कर दिए। देन यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इस क्वेश्चन में आपका ट्रेडिंग साइड की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड की वैल्यू आ रही है 48,261, उसको आप नोट करोगे। देन आप डेबिट साइड का टोटल नोट करेंगे और जब डेबिट साइड का टोटल आप नोट करेंगे तो 8,968,25,659 and 3,977, इसको नोट कर लेंगे। देन यू हैव टू कैलकुलेट डिफरेंस वैल्यू। इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड मीन्स दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट,
और अगर डेबिट साइड आपका ज्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से, देन दिस इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस। तो इस क्वेश्चन में आपका क्रेडिट साइड ज्यादा था, आपने जब डिफरेंस निकाला तो वो डिफरेंस आया आपका 9657, तो आपने शो कर दिया टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 9657। यहां इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट को हमने ब्रॉट डाउन किया 9657, और अब हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो रिमेनिंग इनकम्स हैं उसको शो करना होता है क्रेडिट साइड पे, और जो अदर एक्सपेंसेस हैं जो ट्रेडिंग में शो नहीं हुए थे वो सारे एक्सपेंसेस हमें शो करने होते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड पे। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद सेल्स के बाद आपको गिवन था रेंट एंड टैक्सेस, तो रेंट एंड टैक्सेस मेरा डेबिट साइड पे आ जाएगा। टू रेंट एंड टैक्सेस, टू सैलरीज को शो करेंगे, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को शो करेंगे, कमीशन दिया है आपका ब्रैकेट में सीआर गिवन है मींस क्रेडिट बैलेंस, और नॉमिनल अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन होता है तो वो इसका मिस होता है इनकम। नॉमिनल अकाउंट में अगर कोई डीआर वर्ड गिवन है तो इसका मिस होता है एक्सपेंसेस, और अगर डीआर सीआर रिसीव्ड पेड इस तरह का कोई वर्ड नहीं गिवन है तो भी इसको हम क्या ट्रीट करेंगे एक्सपेंसेस। फॉर द एग्जांपल ऊपर दिया था आपका सैलरीज या रेंट समझ लीजिए आप, तो रेंट में पेड गिवन नहीं था लेकिन इसको हम रेंट पेड ट्रीट करेंगे, अगर कुछ नहीं गिवन है नॉर्मल अकाउंट में तो उसको हम हमेशा एक्सपेंसेस ही ट्रीट करेंगे। आफ्टर दिस इंश्योरेंस 40 रुपीज, टू रिपेयर्स 337, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन में आपका एडिशनल नंबर 5 था, और एक और पॉइंट आपका पहले आते ऊपर कमीशन पे, कमीशन आपका सीआर था तो कमीशन आपकी इनकम हो गई, और कमीशन को हमें बाई साइड पे शो करना होगा, बाई कमीशन 564, और इसमें एक पॉइंट गिवन था एडजस्टमेंट नंबर 4 अनअर्न कमीशन, इसका मीन्स होता है एडवांस कमीशन, मीन्स जो आपने अर्न नहीं किया था और उसको रिसीव कर लिया इसको एडवांस कमीशन बोलते हैं और अनअर्न कमीशन भी बोलते हैं। तो 60 रुपीज़ ही आपकी एडवांस कमीशन थी, यानी ये आपने रिसीव कर लिया है बट दिस इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है करंट ईयर की इनकम नहीं है। तो हम लोग जो भी इनकम रिसीव करते हैं या एक्सपेंसेस पे करते हैं और अगर वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होती है तो उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं मीन्स माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कमीशन में 564 में 60 रुपीज़ माइनस कर दिया तो कमीशन आ गया आपका 504। आफ्टर दिस आपने इंश्योरेंस शो किया डेबिट साइड पे, रिपेयर शो किया डेबिट साइड पे, इंटरेस्ट ऑन लोन आपने डेबिट साइड पे शो करना है बट इसमें एडजस्टमेंट नंबर 5 गिवन है, 2 मंथ इंटरेस्ट इज एक्रूड ऑन लोन, लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% गिवन है, लोन की वैल्यू आपकी 2000 गिवन है, आप 2 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, 2000 इंटू 6% इंटू 2 डिवाइड बाई 12, तो 2 मंथ का आपका इंटरेस्ट आया 20 रुपीज़, और वो आपका आउटस्टैंडिंग था आपने पे नहीं किया था, तो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन एट आउटस्टैंडिंग 20 रुपीज़, आउटर कॉलम में 120 रुपीज़। इसमें एक और पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि सपोज ये एडजस्टमेंट ना गिवेन होता, तो जब भी एडजस्टमेंट अगर नहीं भी गिवेन है और कहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवेन है तो आप पहले इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। सपोज 2000 का 6% आपको होता है 120, क्वेश्चन में गिवेन है आपने इंटरेस्ट लोन कितना पे किया, ओनली 100, तो इसका मीन्स कितना आउटस्टैंडिंग हुआ, 120 आपको पे करना था पूरे ईयर में और एंड यू हैव पेड ओनली ₹100, मीन्स 20 रुपीज़ के आपका आउटस्टैंडिंग है। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवेन है आप उसको पहले कैलकुलेट कर लो, आउटस्टैंडिंग है तो उसको आप प्लस करके ऑर्डर कॉलम में शो करिए, और जो एडजस्टमेंट का वो ना देखिए कि एडजस्टमेंट में गिवेन है नहीं गिवेन है, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवेन हो लोन में या आपको ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवेन है तो एक बार उसको कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए कि पूरी अमाउंट आपने पे कर दी है नहीं कर दी है या रिसीव कर ली है या नहीं रिसीव की, अगर नहीं पे की कुछ डिफरेंस आ रहा देन दिस इज द आउटस्टैंडिंग राइट। तो
तो जैसे इसमें क्वेश्चन में वो आपका उसको हमने शो कर दिया। उसके बाद आपका डिस्काउंट डी आर आ रहा, इसको हमने शो कर दिया। डी आर व्हाट गिवेन है, जिसका मतलब आपका एक्सपेंसेस है टू डिस्काउंट 487। बैड डेट्स आपका लॉस होता है, इसको हमें शो करना है टू बैड डेट्स 362। उसके बाद 5% प्रोविजन था आपका, डेटर्स की वैल्यू थी 6200, तो आप शो करोगे टू बैड डेट्स 362। टू प्रोविजन आपका गिवेन है, प्रोविजन जो आपका कैलकुलेट होगा वो डेटर्स पे कैलकुलेट होगा, और डेटर्स की वैल्यू थी 6200। पहले आप 200 उसमें से माइनस करेंगे, मींस जो फर्दर बैड डेट्स है वो पहले आपका माइनस होगा, और माइनस होने के बाद फिर जो आपका प्रोविजन्स आएगा, मींस 6200 माइनस 200 6000, और 6000 का 5% आप कैलकुलेट करेंगे वो आपकी अमाउंट आएगी 300, और 300 और जो फर्दर बैड डेट्स था, एक देखिए यहाँ पे बैड डेट्स गिवेन है, उसमें हम फर्दर बैड डेट्स प्लस करेंगे, फर्दर बैड डेट्स के बाद हम न्यू प्रोविजन प्लस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स गिवेन है आपका, जो न्यू प्रोविजन करके दिया है बैड डेट्स के बाद सेकेंड लाइन में, उसको आपको न्यू प्रोविजन नहीं शो करना है, वहाँ पे आप शो करोगे फर्दर बैड डेट्स, राइट, जो एडजस्टमेंट में गिवेन था। तो फर्दर बैड डेट्स 200 हो जाएगा, एंड न्यू प्रोविजन इज कैलकुलेटेड 6200 में से 200 आप माइनस करोगे, 6000 का 5% कैलकुलेट करोगे विच इज 300। फिर तीनों को हम प्लस करके आउटर कॉलम में शो कर देंगे 862 रुपीज। तो ये आपका बैड डेट्स का पॉइंट हो गया। आफ्टर दिस वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड हम प्लस करेंगे, डेबिट साइड प्लस करेंगे, देन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे विच इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट को हमें कैपिटल में प्लस करना होता है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। और अब थर्ड पार्ट आता है बैलेंस शीट का। अब हम बैलेंस शीट स्टार्ट करेंगे। बैलेंस शीट में पहले हम लाइबिलिटीज तैयार कर रहे हैं। लाइबिलिटीज में आप ये देख लीजिए कि आपका कैपिटल, पहले कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल में हमें नेट प्रॉफिट प्लस करना होता है, ड्राइंग्स को हमें माइनस करना होता है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का जो आंसर है वो नेट लॉस आ रहा है तो हमें कैपिटल से माइनस करना होगा, और अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है तो कैपिटल में हमें प्लस करना होगा। तो इसको हमने शो किया लायबिलिटी साइड में, कैपिटल 11,940 एंड नेट प्रॉफिट 6,465, और उसमें से हमने ड्राइंग माइनस कर दिया 1,055। ये आपका बैलेंस आ गया आउटर कॉलम में 17,350। उसके बाद लोन की वैल्यू गिवन थी आपकी 2000, जिसमें 2 मंथ का आपका आउटस्टैंडिंग था, 2 मंथ का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसकी वैल्यू आ रही थी 20 रुपीज। तो अब लोन की टोटल वैल्यू हो गई 2000 प्लस 20, 2020 रुपीज। आप चाहो तो इसको अलग से भी शो कर सकते हो, लोन आप पूरा 2000 दिखा दीजिए और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आप 20 रुपीज शो कर दीजिए। उसके बाद क्रेडिटर्स गिवन था आपका, क्रेडिटर्स मीन्स होते हैं सप्लायर जिनसे हम क्रेडिट गुड्स परचेज करते हैं, और अभी तक हमने जब हमारा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तब तक हमने उनको पेमेंट्स नहीं किया था, तो ये मेरी लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर्स में हमने वैल्यू शो कर दी 5963। तो ये आपकी लायबिलिटी साइड हो गई। और एक एडजस्टमेंट में पॉइंट्स गिवन था, जो आपने एडवांस इनकम रिसीव किया था 60 रुपीज, वो भी आपकी लायबिलिटी है क्योंकि आपने एडवांस ले लिया है और अभी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो वो भी लायबिलिटी में आ जाएगा आपका एडवांस कमीशन के नेम से या अनअर्न्ड कमीशन के नाम से। लायबिलिटी साइड कंप्लीट होने के बाद हमें एसेट्स बनाना होगा। चलिए एसेट्स पे भी डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है आपका। बिल रिसीवेबल आपके एसेट्स होती है, प्लांट एंड मशीनरी आपके एसेट्स है, बट प्लांट मशीनरी में 120 रुपीज जो वेजेस वाली रॉन्गली वैल्यू इंक्लूड हो गई थी वेजेस में, और वो रिलेटेड थी आपकी इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन की, तो वो वैल्यू हमें 120 मशीन में प्लस करना होगा। 2880 प्लस 120 3000 आउटर कॉलम में शो कर देंगे। उसके बाद आपके पास डेटर्स की वैल्यू की मैंने डेटर्स को शो करेंगे, बट डेटर्स में 2 एडजस्टमेंट थी कि जो 6200 डेटर्स शो हो रहा था उसमें 200 आपका बैड डेट्स हो गया था,
और 5% आपको प्रोविजन बनाना था, तो आप 6200 से पहले फर्दर बैड डेट्स मैनेज करेंगे, और जो 5% आपने प्रोविजन बनाया था 300 रुपीज़ वो मैनेज करेंगे। तो 6200 एसेट्स में इनर कॉलम में, लेस फर्दर बैड डेट्स 200, लेस एनी प्रोविजन 300, और आउटर कॉलम में वैल्यू आ जाएगी 5700। आफ्टर दिस यू हैव टू शो कैश 53, बैंक 891897, फर्नीचर 897, क्लोजिंग स्टॉक 12896, राइट, ये वैल्यू आपकी हो गई एसेट्स में। और उसके बाद हम लोग टोटल इसका शो कर देंगे 25393 आपका लायबिलिटी का टोटल और एसेट्स का टोटल आ रहा है, राइट। तो एक बार इसको आप अच्छे से वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए, और इसका पहले के जो टॉपिक्स थे आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और जो क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किए उसको देख लीजिए, और अगर कोई भी डाउट्स हो या फर्दर कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो उसको बताइए, उसको भी मैं जल्दी सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।